जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों बीएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर के बारे में। यह दोस्तों 2018 का क्वेश्चन पेपर है बीएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम के लिए। यह वीडियो दोस्तों यह वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो दोस्तों 2022-2023 में दोस्तों अपना यानी दोस्तों अपना बीएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों उन सभी बच्चों के लिए यह वीडियो है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपका इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर होता है, इस प्रकार से आपकी ओएमआर शीट बननी पड़ती है, ठीक है। इसमें इस पे सबसे पहले दिया गया है अनुक्रमांक दिया हुआ होता है, उसके बाद दोस्तों प्रश्न पुत्ति का क्रमांक दिया गया होता है, इसके बाद दोस्तों आपका भरना पड़ता है छात्री का नाम, अपना नाम भरना होता है, इसके बाद अपना साइन करना पड़ता है, उसके बाद दोस्तों क्या करना है कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर यानी जो क्लास टीचर होते हैं जहाँ पर दोस्तों आप एग्ज़ाम दे रहे हो वो भरते हैं। इसमें दोस्तों जो टोटली नंबर है वह दोस्तों आपका जो एंट्रेंस एग्जाम होता है 150 नंबर का होता है, कहीं कहीं पर 200 नंबर का भी होता है और कहीं कहीं पर 100 नंबर का होता है। यूपी कैटिन में दोस्तों 200 नंबर का होता है, ठीक है। डीडीओ में दोस्तों 100 नंबर का होता है। इस प्रकार से दोस्तों बहुत ही कॉलेज में अलग अलग होता है, इस प्रकार से आपका होता है इस प्रकार से। तो दोस्तों क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन के बारे में। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, तीन खंडों में इसमें डिवाइड है। 50 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के हैं, 50 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी और 50 क्वेश्चन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स के क्वेश्चन है। तो दोस्तों मैं आप सभी को एग्रीकल्चर के क्वेश्चन ऑनली करवाऊंगा, तो दोस्तों वीडियो पर बने रहिएगा। दोस्तों शुरू करते हैं। इसमें दिया गया फल के अंदर रहते हुए बीज का अंकुर जाना जाता है। तो दोस्तों फल के अंदर रहते हुए बीज का अंकुर जाना जाता है, तो दोस्तों वह क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये वह कहलाता है हमें अधोभूमि कहलाता है। अधोभूमि उसे बोलते हैं जो दोस्तों भूमि के अंदर रहते हैं यानी फलों के अंदर रहते हैं जो बीज, ठीक है, यानी भूमि के अंदर जो अंकुर होता है उसे दोस्तों अधोभूमि बोलते हैं। अब जो ऊपरी परिख होते हैं यानी जो बीज से बाहर निकल जाते हैं उन्हें ऊपरी भूमि बोलते हैं, ठीक है, ऊपर भूमि बोलते हैं। इस प्रकार से दूसरा प्रश्न हमारा आता है, कोशिका में आक्षिक शोषण कहाँ होता है? दोस्तों ये हमें बताना, कोशिका में आक्षिक शोषण कहाँ होता है? तो दोस्तों यह केंद्रक में होता है, याद कर लीजिएगा। अगला हमारा प्रश्न बताया दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पौधों में वाष्प उत्सर्जन को किसके द्वारा मापा जाता है? तो दोस्तों पोटोमीटर द्वारा मापा जाता है, ठीक है, दोस्तों याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस प्रकार से हमारा अगला आता है दोस्तों, चौथी नंबर पर हमारा आता है धान, मक्का, गेहूँ एवं नारियल के बीज होते हैं, तो दोस्तों वो क्या होते हैं? तो दोस्तों वो होते हैं हमारे एक बीज पत्री एवं ब्रोड पोषी होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हमारा बी ऑप्शन इज द राइट हो जाता है। अब दोस्तों एक बीज पत्री यानी जिसे बोलते हैं दोस्तों उन मतलब फलों को बोलते हैं, उन बीजों को बोलते हैं जिनमें दोस्तों एक ही ब्रूड पोस्ट पाया जाता है, उन्हें दोस्तों एक बीज पत्री बोलते हैं। इस प्रकार से हमारा अगला आता है दोस्तों, हमारा बिंदु श्रवण होता है। तो बिंदु श्रवण किस में होता है? तो दोस्तों ये हमारा होता है जलरंध्रों में होता है। अब हमारा अगला आता है दोस्तों, हमारा एक महत्वपूर्ण वाहक कीट है जो कि टमाटर व मिर्च में पत्ती चोड़क विषाणु का हस्तांतरण करता है, तो दोस्तों यह क्या कहलाता है? एक महत्वपूर्ण वाहक कीट है, तो दोस्तों वह सफ़ेद मक्खी कहलाती है। क्या कहलाती है? सफ़ेद मक्खी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। सातवें नंबर पर हमारा आता है, चुबाने एवं चूसने वाला मुखाम किस में पाया जाता है? तो दोस्तों यह मधुमक्खी में पाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिएगा। अब हमारा अगला आता है आठवें नंबर पर, निम्न में कौन सा किसान मित्र जीवी है? जी हाँ दोस्तों, कौन सा किसान मित्र जीवी है? दोस्तों यह केंचुआ है। केंचुए को दोस्तों प्रकृति का हल चलाने वाला हो हलवाहा भी बोलते हैं, याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला आता है, राणा टिगरी का किसका वैज्ञानिक नाम है? तो दोस्तों यह मेंढक का वैज्ञानिक नाम है। अब हमारा अगला आता है दसवें नंबर पर, आलू में कंद बनने के लिए उपयुक्त तापमान है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाता है वह दोस्तों हो जाता है हमारा बी ऑप्शन, 18 से 20 सेंटीमीटर, याद कर लीजिएगा दोस्तों, नोट करते जाइएगा। अगले हमारा जो प्रश्न बनता है हमारा 11वें नंबर पर, सोलेनाइजेशन किस फसल से संबंधित है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाता है वह दोस्तों हो जाता है हमारा आलू। दोस्तों सोलेनाइजेशन दोस्तों आलू से ही संबंधित है, अगर सोले से संबंधित कोई भी प्रश्न आता है तो दोस्तों वह आलू से संबंधित है। अब दोस्तों हमारा अगला जो प्रश्न बनता है हमारा वह बनता है हमारा 12वें नंबर पर, मृदा में उपस्थित बालू, सिल्ट तथा चिकनी मिट्टी किस सापेक्ष फसल मात्रा कहलाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है 12वें का, वह दोस्तों हो जाता है बी यानी मृदा गठन। अब हमारा अगला प्रश्न बनता है, अंतर्राष्ट्रीय भू विज्ञान परिषद के अनुसार स्थित कणों का व्यास है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाता है हमारा वह हो जाता है 0.002 से 2 मिमी से कम। अब हमारा अगला जो आता है दोस्तों वो आता है 14वें नंबर पर, कपास की फसल के लिए सर्वोत्तम मिट्टी है? तो दोस्तों वह हमारी है कालवी मिट्टी। इस प्रकार से सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब हमारी अगली प्रश्न जो बनती है वह आता है हमारा, दो फसलों के बीच में कम समय में ली जाने वाली फसल कहलाती है? तो दोस्तों वह कौन सी फसल कहलाती है? वह दोस्तों हमारी जो कहलाती है वह दोस्तों हमारा हो जाता है राइट आंसर, हमारा अंतर्वर्ती या कैच फसल कहलाती है।
अब हमारा अगला आता है ट्रिटिकम एस्टिवम में गुणसूत्र की संख्या होती है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाता है वह दोस्तों हो जाता है हमारा बी यानी 42। एक बार और अगला जो प्रश्न बनता है हमारा वह बनता है दोस्तों गेहूँ में करनाल बंट का कारण है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है 17 का सी ऑप्शन यानी फपूद। जी हाँ दोस्तों, जो गेहूँ में करनाल बंट होता है उसका कारण दोस्तों फपूदी है। अगला प्रश्न बनता है 18 नंबर पर, किस फसल में न्यूनतम नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाता है हमारा 18 का वह दोस्तों हो जाता है डी ऑप्शन। दोस्तों जो मूंगफली है दोस्तों ये एक दोस्तों दलहनी फसल है, ठीक है, साथ ही साथ इसमें जो नाइट्रोजन की इसलिए कमी पड़ती है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों जो दलहनी फसलें होती हैं उनमें राइजोबियम नामक एक जीवाणु पाया जाता है जो दोस्तों वायुमंडल की नाइट्रोजन को भूमि में स्थिर कर देता है। क्या कर देता है? भूमि में स्थिर कर देता है। अगला प्रश्न जो बनता है हमारा वह बनता है चने का वैज्ञानिक नाम है, तो दोस्तों जो चने का वैज्ञानिक नाम है वह हमारा सीसर एरिटेनम है, जबकि दोस्तों जो पाइसन सटाइवर है वह दोस्तों किसका है हमारा मटर का है, ठीक है, और जबकि दोस्तों केजानस केजान किसका है यह दोस्तों का है, दोस्तों ये आपको बताना हमें कमेंट बॉक्स में, जबकि दोस्तों ग्लाइसिन में किसी पर जाती है और किसका वैज्ञानिक नाम है, तो दोस्तों यह सोयाबीन का वनस्पति नाम है ग्लाइसिन मैक्स, सॉरी सूरजमुखी का है, ठीक है। इस प्रकार से हमारा अगला जो आता है हमारा पैगिंग अधिकालीन किस फसल से संबंधित है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाता है वह हमारा हो जाता है ए ऑप्शन ही मूंगफली से। इसके बाद हमारा अगला आता है लोहिता प्रजाति है, तो दोस्तों कौन सी प्रजाति, किसकी प्रजाति दोस्तों लोहिता है, तो दोस्तों यह किसकी प्रजाति है कपास की है। अगला जो बनता है हमारा पके हुए गन्ने में 20% होता है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाता है वह हो जाता है 17%। अब हमारा अगला आता है 23वें नंबर पर, गन्ने की 48 फसल की बुआई का समय है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाता है हमारा वह हो जाता है 223वें का डी ऑप्शन यानी जुलाई। अब हमारा अगला आता है दोस्तों प्राइमिंग किस फसल संबंधित है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है सी ऑप्शन यानी तंबाकू में। इसके बाद हमारा अगला आता है 25वें नंबर पर क्वेश्चन आता है, बरसीम की फसल में राइजोबियम बैक्टीरिया पाई जाती है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाता है हमारा वह हो जाता है 225वें नंबर का वह दोस्तों हो जाता है डी ऑप्शन यानी राइजोबियम ट्राइफोलियाई। इसके बाद हमारा अगला आता है उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली प्रमुख मृदा है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हमारा हो जाता है जलोढ़ मृदा, जबकि दोस्तों भारत में भी सबसे अधिक मृदा कौन सी पाई जाती है, वह पाई जाती है जलोढ़ मृदा ही भी पाई जाती है, ठीक है। इस प्रकार से अब हमारा अगला जो प्रश्न बनता है हमारा दोस्तों वह बनता है हमारा मृदा संरचना है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाता है हमारा 27वें का वह हो जाता है हमारा सी ऑप्शन यानी मृदा कणों के विन्यास। इसके बाद हमारा अगला आता है 28वें नंबर पर, सबसे अधिक ससंजन का गुण किस मृदा में पाया जाता है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाता है हमारा 28वें का वह हो जाता है हमारा सी ऑप्शन चिकनी मिट्टी। इसके बाद हमारा अगला आता है 29वें नंबर पर क्वेश्चन हमारा वह आता है पोटास का सर्वाधिक प्रयोग बढ़ाता है, तो दोस्तों ये हमें बताना पोटास का प्रयोग क्या बढ़ाता है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाता है हमारा 29वें का वह हो जाता है हमारा ए ऑप्शन यानी पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, जड़ों में भी वृद्धि करता है, ठीक है, यह भी राइट हमारा आंसर है, बट दोस्तों जड़ों में वृद्धि सबसे अधिक कौन सा करता है, फास्फोरस तत्व करता है। याद कर लीजिएगा हमारा अगला आता है हमारा अधिकांश पौधों द्वारा नाइट्रोजन ली जाती है, तो दोस्तों ये हमें बताना है अधिकांश पौधों द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में ली जाती है, तो दोस्तों नाइट्रेट के रूप में ली जाती है। दोस्तों धान में किस रूप में ली जाती है, दोस्तों धान में अमोनियम रूप में ली जाती है, ठीक है, याद कर लीजिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 31वें नंबर पर हमारा आता है एग्रो एजुकल्चर का प्रयोग किस फसल में करते हैं, तो दोस्तों सभी उपयोग सभी में करते हैं, गन्ने में भी करते हैं, ठीक है, एग्रो एजेक्टो वेटर कल्चर है इसका नाम है, ठीक है, ज्वार में भी करते हैं, दलहनी फसलों में राइजोबियम कल्चर का प्रयोग किया जाता है, याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों इसके अगला पार्ट अगर जो वीडियो आप चाहते हो तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सर इसका अगला पार्ट भी बनाइएगा वीडियो, ठीक है, तो हम आपको वीडियो बता देंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों कमेंट करके बताइए, और साथ ही साथ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।